क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जो कि फ्लाई कर रही है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ वो फ्लाई कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द विंग्स हैविंग ए स्पैन ऑफ 20 मीटर, जो उसकी विंग्स स्पैन की जो लेंथ जो है वो है 20 मीटर। द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 5 × 10⁻⁴ टेस्ला और वहां की एंगल ऑफ डिप जो है वो है 30 डिग्री। ठीक, तो हमें गिवन क्या क्या, सबसे पहले वो लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन वो गिवन है, वो कितनी है 900 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 5/18 की मल्टीप्लाई करो, 18 × 90, 15 × 5, वेलोसिटी कितनी आ गई 250 मीटर पर सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप टू होता हमें निकालना है और स्पैन की लेंथ दे रखी है एल इक्वल टू 20 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें गिवन है एच इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ टकला ऐसा, और एंगल ऑफ डिप जो है उस पॉइंट की, उस प्लेस की वो है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो, अब एरोप्लेन जब उड़ेगी तो वो कुछ इस तरह से उड़ेगी ना हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो इसमें क्या है कि हमें देखो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का वी इक्वल टू बी वी एल, या ईएमएफ के लिए ई लगा देते हैं, इक्वल टू बी वी एल। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए, मतलब वो वाली मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए जिसे वो स्पेन मतलब जिसे वो कट कर रही हो, तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट होगी। ठीक ना, हॉरिजॉन्टल वाली तो हॉरिजॉन्टल वाली ऐसे है तो स्पैन इसे तो कट करेगी नहीं, और जो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है उसे स्पैन कट करती हुई जाएगी। ठीक ना, तो हमें वो कंपोनेंट लेना है जिसे उसकी एरोप्लेन की स्पैन कट कर रही होगी, उसकी विंग्स जिसे कट कर रही होगी जिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना, तो यहां पे हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखना पड़ेगा। ठीक ना, यहां पे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप का जो फॉर्मूला वो क्या है, टेन थीटा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप हमें गिवन है तो टेन थर्टी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, वो तो हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁴ टकला, और इसे इधर ले जाएंगे और टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू वी बाय 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितनी आ गई 5 × 10⁻⁴ अपॉन √3 टेस्ला। ठीक, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो स्पैन के बीच में, वो क्या हो जाएगी इक्वल टू VVL। वी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारी आ गई है 5/√3 × 10⁻⁴ टकला × 250 × लेंथ कितनी 20। तो ये कितना हो जाएगा 5000 × 5 25000 25000 × 10⁻⁴ √3। तो ये हो जाएगा 2.5/√3 वोल्ट। ठीक है ना, इसे काटेंगे यहां पॉइंट लगा देंगे, क्लियर ना।